दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया इंडिया में ओप्पो F5 यूथ। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में। दूंगा मैं अपने कुछ ओपिनियंस के, ये फ़ोन कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, क्या आपको इस फ़ोन में अपना पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बताऊँगा, करते कुछ डिस्कस और इस वीडियो को बनाते थोड़ी इंटरेस्टिंग मेरे ओपिनियंस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृतिक, आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल गाइड, और आज के इस वीडियो में जानना है हम सभी को ओप्पो F5 यूथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ओप्पो F5 यूथ डिवाइस है उसकी मैं पहले बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। बिल्ड क्वालिटी है एल्यूमिनियम बॉडी है, मेटल की बॉडी है। और दोस्तों अगर हम सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पर, अब मेन क्या बोलते हैं, अब मेन डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशंस में हम आते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी की तो बात कर ली, मेटल बिल्ड है तो ये सब तो हो गया, अभी इसको रखते हैं साइड में और करते हैं मेन प्रोसेसर से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जो CPU है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर, यानी ओप्पो F5 यूथ आपको प्रोवाइड कर रहा है इस फ़ोन में मीडिया टेक का 6763T प्रोसेसर, जिसके साथ आपको मिल जाता है GPU मालिक का, यानी आर्म के तरफ से मालिक का G71 GPU MP2 का। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 6763T का, वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो रन करता है 2.50 GHz पे, और जो इसका आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉर्टेक्स का A53। दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा वो मिलता है आपको एक 6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, और जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन है। जो आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी वो है 402 PPI की। और दोस्तों यहाँ पर IPS डिस्प्ले, तो कलर्स अच्छे होंगे यहाँ पर, एक्यूरेट होंगे, और 6 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9 का, जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है। तो फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल जाता है ये ओप्पो F5 के यूथ में। दोस्तों अगर हम कैमरा के डिपार्टमेंट की बात करें तो कैमरा के डिपार्टमेंट में सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरा की, यानी जो बैक कैमरा उसकी बात करते हैं। तो आपको जो रियर में कैमरा मिल जाता है वो है 13 MP का, एपर्चर है इसका F2.2 का, और यहाँ पर आपको जो वीडियो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर फुल HD वीडियो सपोर्ट मिल जाएगी 30 FPS पे 13 MP का F2.2 वाला एपर्चर का कैमरा। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें, यानी सेल्फी कैमरा की, तो आपको उसमें मिल जाता है 16 MP का F2.0 का एपर्चर वाला कैमरा। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर अच्छा होगा, लेकिन जो रियर कैमरा होगा वो इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो मैं आपसे आगे अपने माई ओपिनियंस में इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। दोस्तों फ्रंट और रियर कैमरा से दोनों में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है 30 FPS पे, और आपको आगे और पीछे दोनों में एक LED फ्लैश मिल जाता है क्योंकि ये ओप्पो है इसलिए। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर बैटरी की, तो आपको जो इसमें बैटरी मिल जाती है वो है 3200 mAh की। तो यहाँ पर बैटरी ओके सी है, यहाँ पर 3200 mAh की अच्छी है बैटरी, यहाँ पर बैटरी के मामले में तो ओके है। और दोस्तों अगर हम और आगे बढ़े यहाँ पर, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर रैम और स्टोरेज का, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कितना रैम और कितनी स्टोरेज आपको मिल जाती है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से वही मैं आपसे अपने माई ओपिनियंस में इंक्लूड करके बताऊँगा। दोस्तों तो रैम है यहाँ पर 3 GB की रैम है, और जो स्टोरेज है वो है 32 GB की, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड से। और दोस्तों ये तो हो गए रैम और स्टोरेज की बात, और अगर हम ये 4G वो LTE सपोर्ट करता है, और यही हो गया पूरा फ़ोन का बस पैकेज के। यहाँ पर मीडिया टेक का हीलियो का P23 यानी 6763T का प्रोसेसर मिल जाता है, 2.50 GHz का ऑक्टा कोर है, GPU है माली G71 का MP2 का GPU, 6 इंचेस की अगर मैं समराइज करके आपको बताऊँ, 6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, 3200 mAh की बैटरी, स्टोरेज है अपनी 32 GB की स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है देखने को। तो दोस्तों अगर मैं इसका प्राइस पॉइंट बताऊँ, तो इसका जो प्राइस आपको मिलता है वो है यहाँ पर ₹16,900 में आपको ये ओप्पो F5 यूथ का पैकेज मिल जाता है। दोस्तों अगर हम सेंसर सपोर्ट की बात करें कि ये जो ओप्पो F5 यूथ है उसमें हमें कौन कौन से सेंसर देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों जो फ़ोन का बैक है, जो फ़ोन का रियर पैनल है, उसमें आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर,
और आपको मिल जाता है एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास सेंसर, लेकिन आपको और एक एक्सेलेरोमीटर मिल जाता है, लेकिन जो जायरोस्कोप सेंसर है और एनएफसी, ये सब आपको इस 17,000 के प्राइस पॉइंट में देखने को नहीं मिलता जो है। और दोस्तों अगर मैं अपने अब माय ओपिनियंस को शुरू करूँ यहाँ पर, तो माय ओपिनियंस में मैं अपने ओपिनियन ये देना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है 16,900 रुपीज़ का ओप्पो F5 यूथ के लिए, तो इस ये जो प्राइस है वो इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों। पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि इसका प्राइस और जो इस प्राइस में हमें हाँ वो सब देखने को, हार्डवेयर ये सब फ़ोन देखने को मिल जाता है, वो इतना खास नहीं है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा है इस प्राइस पे। और दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ पर जो ओप्पो का कलर OS 3.2 आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा एंड्रॉयड नूगट के साथ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि जो ओप्पो के फ़ोन्स हैं वो चाहे वो सस्ते वाले हो चाहे महंगे वाले हो, उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलते हैं। आपको कस्टम रोम्स मिल जाएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, जैसे अभी ये नूगट पे रन कर रहा है, तो मुझे डाउट है कि ओरियो नहीं मिलेगा इस डिवाइस को। और शायद मुझे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसको ओरियो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर ऑफिशियली ओरियो आपको मिल जाता है, यानी 8.0 मिल जाता है, तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है, यूजर्स के लिए अच्छा है, ओप्पो F5 यूथ के लिए, लेकिन मेरा ये डाउट है कि इसको नहीं मिलेगा ओरियो F5 यूथ को। दोस्तों अगर मैं और अपने ओपिनियंस दूँ, तो यहाँ पर ये जो 16,900 का प्राइस पॉइंट है, इसमें आपको और यहाँ पर अच्छे फ़ोन्स देखने को मिल जाएंगे, जो हालांकि इन फोन्स में आपको फुल व्यू का डिस्प्ले नहीं मिलेगा, बेजल लेस डिस्प्ले भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हार्डवेयर है वो स्नैपड्रैगन 625 के साथ, 4 GB रैम के साथ और अच्छी खासी स्टोरेज के साथ, 64 GB स्टोरेज के साथ और फुल HD स्क्रीन के साथ, डुअल कैमरास के साथ, आपको Mi A1 का मोटो G5S+ का ऑप्शंस मिल जाता है। और अगर हम कुछ सैमसंग के फ़ोन्स भी है जो इस प्राइस पे, अगर मैं आपको बताऊं कि सैमसंग का ऑन मैक्स, उसमें आपको F1.7 के एपर्चर वाला लो लाइट वाला अच्छा सा कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ओरियो भी यहाँ पर मिल जाएगा और सैमसंग का अच्छा UI और हार्डवेयर भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा, एक्जिनोस प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाता है सैमसंग के कुछ फ़ोन्स जो जिनमें कैमरा भी अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन ये जो फ़ोन है ओप्पो F5 यूथ, ये कुछ खास नहीं है। अगर आपको सेल्फी का शौक है, कैमरा का शौक है, तो आप हॉनर के फ़ोन्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हॉनर के फ़ोन्स के जो कैमरे हैं वो यहाँ पर ओप्पो से अच्छे ही होंगे। आप हॉनर 6S के जानते हैं कि उसका कैमरा कितना अच्छा था, और अभी भी उस प्राइस पॉइंट पे वो फ़ोन अच्छा है। अभी उसकी प्राइस हो गई 11,000, लेकिन अगर मैं बात करूँ ओप्पो F5 यूथ की, तो वो इतना अच्छा नहीं है। और अगर आपको अगर इसी प्राइस पे कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, तो आप कंसीडर कर सकते हो हॉनर 7X को या हॉनर 9i को। अगर आपको हॉनर 7X की वीडियो चाहिए, तो वो आपको ऊपर यहाँ पर कार्ड्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको क्लिक करके हॉनर 7X का मेरे ओपिनियंस ले सकते हैं। और अगर आपका बजट कुछ 17-18 है, तो आप हॉनर 9i को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हॉनर 9i है। उसमें आपको जो डुअल कैमरास मिल जाता है रियर में, और फ्रंट कैमरा में भी आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ओपिनियन है, और फुल व्यू वो सब डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। दोस्तों बस यही है ओप्पो F5 यूथ के कुछ स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के साथ। अवेलेबिलिटी मैं बता देता हूँ, December 8, 2017 से मिलना ये शुरू हो चुका है, तो आप ले सकते हो उसको ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर्स दोनों में ही आपको मिल जाएगा। प्राइस है 16,900 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही, और December 8 से शुरू हो चुका है मिलना। तो बस दोस्तों यही था पूरा इस ओप्पो F5 यूथ का पैकेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो कर दो इसको लाइक, शेयर कर दो, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी पता चले ओप्पो F5 यूथ के बारे में। और अगर कोई भी सवाल या सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे, तो कमेंट कर दो। और अगर कोई भी डाउट है तो, और किसी का आंसर चाहिए, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो कमेंट, उसका जवाब आपको पक्का मिल जाएगा। और दोस्तों कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल में आपको मिल जाती है बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोज़। और अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, तो आपको मेरा चैनल करना चाहिए ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिल जाती है इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।